हाय से करंट मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आज आप सभी के लिए यहां पर टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं। तो अगर आप यहां पर टिकटॉक पर इस तरीके की वीडियो को बनाते हैं ना, तो आपका वीडियो यहां पर टिकटॉक पर 100% वायरल होगा। यहां पर इस लड़के ने इस वीडियो को बनाया था और इसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इसको लाखों में लाइक्स मिले थे और इसको मिलियंस में व्यू आया था। तो अगर आप भी अपने वीडियो को यहाँ पर वायरल करना चाहते हैं और अपने टिकटॉक पर फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं और लाखों में लाइक्स को पाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ काइन मास्टर एप्लीकेशन को यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे दो वीडियो को पहले डाउनलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर ले और उसके बाद आप काइन मास्टर में यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को कैसे एडिट करना है, कैसे शूट करना है, हम आपको यहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे टिकटॉक के ट्रेंडिंग वीडियोज का ट्यूटोरियल लेकर आते रहता हूँ। तो सबसे लोगों क्या करें कि अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे इस प्लस वाला आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 9:16 का जो रेशियो दिख रहा है बीच वाला, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि मीडिया पे क्लिक करके बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बैकग्राउंड को ले लेना है। तो आप यहाँ पे किसी भी कलर के एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लें और इसके बाद आपको फिर से मीडिया पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक गर्ल वीडियो को डाउनलोड करना होगा। तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को डाउनलोड कर लें। और इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे उसको लेकर के आ जाना है और इस तरीके का वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे। यह वीडियो छोटा सा 3 सेकंड का वीडियो आपको मिलेगा, यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का यह वीडियो है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आ जाना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पे लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया में जाना है और आपको अपने वीडियो को लेकर के आना है। तो आपको यहाँ पे अपने वीडियो को शूट करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 10 से 12 सेकंड का आपका खुद का वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। और हम यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप पीछे की तरफ मतलब भागते हैं बचने के लिए, आपको यहीं पे वीडियो को रोक देना है और उतना ही आपको क्लिप को रखना है, उससे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो पहले हम बैकग्राउंड को कट कर देते हैं, फिर आपको वीडियो पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से कैचुअल ऑप्शन पर जाना है और सेकेंड वाला ऑप्शन आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पर क्लिक करके कट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला वीडियो आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद मीडिया में जाना है और आपको यहाँ पे एक गर्ल वीडियो को लेकर के आ जाना है। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको अपने शर्ट के मतलब सामने सामने अच्छे से इसको रख देना है, एकदम अच्छे से सेट कर देना है, जहाँ पर आपका शर्ट मतलब थोड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। और इस तरीके से सेट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको क्या करना है कि आपको वहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा सेंड टू बैक का, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। और इसमें भी एक्स्ट्रा पार्ट है जिसके आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में वीडियो मतलब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको कट करना है यहाँ से, तो आपको क्या करना है कि कैचेबल ऑप्शन पे जाना है और फिर से आपको सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कट कर देना है इसको। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि अपने वीडियो में मतलब यहाँ पर मतलब इस गर्ल वीडियो को सेट करना है यहाँ पर इस टी शर्ट में। तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे साइड में क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इस क्रोमा की वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे की कलर नीचे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो यहाँ पे टी शर्ट का कलर है उसी कलर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ज़्यादातर आपको रेड या आपको येल्लो या फिर आपको ग्रीन कलर के ही शर्ट को पहनना है, मतलब टी शर्ट को पहनना है। अगर आप यहाँ पर उस टी शर्ट को यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा वीडियो यहाँ पर बनने वाला है। और आपके टी शर्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका वीडियो यहाँ पर अच्छे से नहीं बनने वाला है। तो आपको एकदम सिंपल मतलब पहनना है जिसमें आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि ऊपर मेरा मतलब फेस पे थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड का कलर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग करना होगा। आप जैसे कि देख सकते हैं इसको आपको मैक्सिमम मिनिमम करना होगा और इसके बाद आप यहाँ से अपने वीडियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर यही एडिटिंग करना है, इसी में आपको अच्छे से ग्रीन स्क्रीन मतलब आपको यहाँ पर क्रोमा की को अच्छे से इनेबल करना है और अच्छे से यहाँ पर आपको कलर को रिमूव करना है जिस भी कलर के आप शर्ट को यहाँ पर पहने हुए हैं। और वीडियो को टी शर्ट में सेट कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया में जाना है और आपको यहाँ पे मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। और उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर वीडियो को लेकर के आना है और वीडियो को लेकर के आने के बाद आपको यहाँ पे
इसमें से सॉन्ग को निकालना है। तो आपको यहाँ पे कैंची पे क्लिक करना होगा और नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है कि डिलीट पे क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर देना है, और यहाँ पे सॉन्ग आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा सॉन्ग है मतलब एक्स्ट्रा वॉइस है, इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पर म्यूट कर देना है। तो हम आपको यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका वीडियो बनेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा जो टी शर्ट में लिखा हुआ है इसी कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो आपका वीडियो यहाँ एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो आप इस तरीके से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में भी थोड़ा सा सॉन्ग है, तो इसको भी आपको क्या करना है कि यहाँ पर जा करके आपको इसको भी म्यूट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका वीडियो अब यहाँ पर 100% बन करके रेडी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे टी शर्ट को यूज़ करना है जिसमें यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से मतलब क्लीन होना चाहिए। और वीडियो बन जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और अपने टिकटॉक आईडी पे इसको अपलोड कर देना है।